जय गुरु। आश्रम के किसी कर्मी को देखकर परम पूज्य श्री बड़ौदा बोले, क्या रे, तुमको तो देखता ही नहीं हूँ, प्रार्थना में भी नहीं आते हो। उक्त कर्मी खड़घर आकर श्री श्री पितृदेव को प्रणाम कर बोले, जी शरीर खराब था। श्री श्री पितृदेव बोले, शरीर खराब होने पर फिर दोष क्या? प्रातःकाल उठना नहीं, प्रार्थना नहीं, क्षण भर रुक कर उनको या इष्ट को केंद्र कर जीवन के सभी कामों का अभ्यास करना चाहिए। सवेरे उठ प्रातः कृत्यादि कर कपड़ा बदलना चाहिए। नाम और पूजा या इष्टवृत्ति कर प्रार्थना में आना चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना ही सेकेंडरी या गौण है। मुझे चाहे हजार प्रेशर हो, ज्वर ज्वाला जो ही हो, ठीक से हम पर प्रार्थना करता हूँ। निष्ठा ही मेरे शरीर को धक्का देता है। नाम करना, पैखाना जाना, ठाकुरबाड़ी जाना, प्रार्थना करना सब कराता है। ठाकुर भोग होने के बाद जिसको खाने का अभ्यास है वो ऐसा ही करता है। वो ठीक समय पर ठाकुर भोग देकर प्रसाद खाकर ऑफिस जाता है। मेरे घर का कोई भी ठाकुर भोग होने से पहले नहीं खाता है, इसलिए प्रतिदिन नियमित ठाकुर भोग दिया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रसाद पाते हैं। केवल यही मामला नहीं, प्रत्येक मामले में ही यही बात है। जीवन के समस्त कार्य उनको केंद्र करके करनी चाहिए। जो उनको सेकेंडरी या गौण करने में ही अभ्यस्त है वे बोलेंगे, जो परिस्थिति है उसमें कैसे करूँगा। इसी तरह से बात काट कर निकलेंगे। उनको जीवन में प्राइमरी करने के लिए साधना की ज़रूरत है, अनुशीलन की ज़रूरत है। दीक्षा के समय जो संकल्प लिया हूँ ठीक ठीक उसका पालन करने के लिए निष्ठा की ज़रूरत है। जिसमें निष्ठा नहीं है उसमें इष्ट के लिए प्रेम भी नहीं है। जो आत्मकेंद्रिक है वे बोलेंगे, इतने दिनों तक ठाकुर सेवा किया, इष्टवृत्ति किया, क्या हुआ? इसके बाद बहिरागत एक भाई की जिज्ञासा से प्रसंगातर हुआ। जय गुरु।